गाड़ी को खड़ी गाड़ी को चाल देने का तरीका, फर्स्ट गियर से ही गाड़ी को चलाना है, एक नंबर गियर से ही गाड़ी को चलाना है बेटे, ठीक है। तो एक नंबर गियर मैंने चला दिया, गाड़ी अभी सीधे ट्रैक में खड़ी है, यहाँ कोई चढ़ाई नहीं है, उतराई नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे एक्सीलेटर दबाने की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट एक्सीलेटर गाड़ी चलेगी। लेकिन इससे पहले हैंड ब्रेक को रिलीज करो, हैंड ब्रेक रिलीज होगी, आपकी बत्ती बुझ गई, आपके टायर जो है जो ब्रेक शू लाइनों के साथ ड्रम शू के साथ ब्रेक ड्रम के साथ ब्रेक शू चिपके होते हैं, वो बिल्कुल अपनी पोजीशन पे अपनी जगह पे आगे हैं और पहिए आपके फ्री हैं, और उसके बाद विदाउट एक्सीलेटर आपकी गाड़ी चलेगी। देखो मैंने कोई एक्सीलेटर दबाया हुआ है, विदाउट एक्सीलेटर और बिना झटके से गाड़ी चली हुई है। अब हमने दूसरा गियर लगाना है, तो दूसरे गियर की स्पीड पे गाड़ी को ले जाना है और दूसरा गियर हमने गाड़ी को लगाना है। आप गाड़ी गियर मांग रही है लगा दो, और राइट लेफ्ट टर्न करना है, लेफ्ट को कर रहे हैं तो लेफ्ट का इंडिकेटर लगाना है। ये थर्ड गियर स्पीड के हिसाब से, गाड़ी स्पीड के हिसाब से चले और सही ट्रैक के ऊपर चले, और एक्सीलेटर उतना ही दबाना है जितनी जरूरत है, देखते जाओ। स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका और घुमाने का तरीका, ये हैबिट आपकी बन गई तो गाड़ी आपकी बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर चलती जाएगी, ट्रैक से बाहर गाड़ी कभी नहीं जाएगी, ट्रैक कभी नहीं छोड़ेगी, सड़क को कभी नहीं छोड़ेगी। जो आपका सड़क बना हुआ है, जो आपका रोड बना हुआ है, वहीं पे गाड़ी चलेगी जहां आप चलाना चाहते हैं और जहां आपका ट्रैक है, कोई भी खतरा नहीं बनेगा। जैसे बच्चे खड़े हैं साइड पे, इनके लिए कोई खतरा नहीं है, जब ड्राइवर इस ढंग से ड्राइविंग कर रहा है और इस ढंग से उसको कंट्रोलों की पूरी नॉलेज है, जानकारी है, जो अकॉर्डिंग रूल है स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका और घुमाने का, जिस पोजिशन पर आपने पकड़ा और घुमा रहे हैं, तो गाड़ी कभी भी ट्रैक नहीं छोड़ेगी। अब देखो मैं कितनी सही स्पीड पे, जितना स्पीड की जरूरत है इस ट्रैक के ऊपर, उसी स्पीड पे ले जा रहा हूँ, वो इसी स्पीड पे गाड़ी को ले जाना। जैसे गाड़ी में उतराई में रोकना गाड़ी को, ये तीसरा गियर है मान के चलो, ये दूसरा गियर है और ये फर्स्ट गियर है, तो फर्स्ट गियर में गाड़ी को रोक दो। अब हमने गाड़ी को बैक करना है, ये गाड़ी को बैक करना है, इंडिकेटर भी आप लगा सकते हो राइट लेफ्ट जाने का, और शीशे में मिरर में गाड़ी को बैक करना अकॉर्डिंग रोल। अब सीधा रोड है, यहाँ सीधे में आप एक तरफ कहीं भी देखते हो राइट लेफ्ट, हल्की हल्की नज़र दोनों तरफ आपको लगानी है, रखनी है दोनों तरफ हल्की हल्की नज़र, ये गाड़ी आपकी ट्रैक से बाहर ना जाए। अगर 12 फुट का ट्रैक है तो आपकी गाड़ी 8 फुट ना चलती है, तो 2 फुट साइड पे जगह एक तरफ को, 2 फुट दूसरी तरफ को बचना चाहिए, ठीक है। तो इस तरफ से गाड़ी को बैक करना है। ओके, थैंक यू।